Hello students, welcome to the class of Engineers Physics, and today we are going to start the discussion about different unit of time. तो पहली बात हम लोग यहाँ पे करते हैं SI unit के बारे में. तो time को हम लोग measure करते हैं हमेशा second में, जिसका notation है small s. ये भी SI unit. Smaller unit में आ जाएगी हमारे पास millisecond. तो again milli for small m, ठीक है, याद रखना milli के लिए हमेशा small m. So millisecond है तो milli पे क्या होता है बाबू, 10 to the power minus 3 लगेगा, ठीक है. Micro मतलब होता है, यहाँ पे देखिए micro का notation ऐसा है, इसके लिए 10 to the power minus 6 second. यहाँ पे एक नया term आया shake, 1 shake is equals 10 to the power minus 8 second. Nano, minus 9 इसका मतलब होता है, याद रखना आपको ये सारा. 1 nano second का मतलब हो गया 10 to the power minus 9 सेकेंड. अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको देखिए याद होते जाएगा सारे यूनिट्स, मतलब सारे जो वैल्यूज है ना, ये सारे आपको याद हो जाएंगे. मिली में 10 टू द पावर माइनस 3, माइक्रो में माइनस 6, सेक में माइनस 8 और नैनो में माइनस 9. तो ये हमारी जो थी स्मॉलर यूनिट थी. अब हम लोग बात करेंगे बिगर यूनिट के बारे में. तो बिगर यूनिट में हमें पता है क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या क्या मिनट है. पहले तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है. फिर आ जाती है हमारे पास आर. 1 आर में क्या होता है बच्चों, देखो 60 मिनट होता है. कन्वर्ट करके यहाँ पे 60 × 60 करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये हमारे पास 3600 सेकंड हो गया है. किसमें बच्चों, 1 आर में हो गया है, ठीक है. इसके बाद हम आते हैं दूसरा हमारे पास है डे. देखिए ये सब आपको ऑलरेडी पता है, बस मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ और यहाँ पर जो कैलकुलेशन है उस पर आपको ध्यान देना है बेसिक. जैसे देखिए ये डे है तो वही एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24 आवर होगा. तो उसका कन्वर्शन देखिए, 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड. तो ये पूरा डेटा हमारा कन्वर्ट हो गया सेकेंड में. तो ये टोटल हो गया 86,400 सेकेंड हो गया. कितने में भाई, एक दिन में. तो सोचिए आपको इतना समय मिलता है पूरे दिन भर में. तो आइए अब हम लोग बात करते हैं ल्यूनर मंथ के बारे में और नॉर्मल जो मंथ होती है उसके बारे में. देखिए ये ल्यूनर मंथ जो है वो बेस्ड है मून के रिवॉल्यूशन पे, ठीक है. मून के रिवॉल्यूशन पे बेस्ड है. आप लोगों को ये बता दूं मैं कि ल्यूनर मंथ जो है इसमें हमारा जो टोटल होता है 29.5 डेज अप्रॉक्स यहाँ पर होता है, अप्रॉक्स में होता है, ठीक है. सो अब हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं ल्यूनर मंथ किस पे बेस्ड है. रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, मतलब मून को स्टैंडर्ड बना करके हम लोग यहाँ पे ल्यूनर मंथ जो है वो काउंट करते हैं. और जो नॉर्मल मंथ है इसका जो कैलकुलेशन होता है ये अर्थ का रिवॉल्यूशन अराउंड द सन उसके बेसिस पे होता है. तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए आपको बेसिक सा बता देते हैं, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं फिर भी मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ. ये मंथ में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेज आ जाते हैं. ये 28 डेज का मंथ होता है, फेब में होता है. 29 डेज कब होता है, फेब में ही होगा लेकिन लीप ईयर में होगा, हर 4 साल में होगा एक बार, ठीक है. इसके बाद देखिए मंथ में 30 डेज होते हैं और 31 डेज होते हैं. और आपको पता है कौन कौन से मंथ में 31 डेज और 30 डेज होते हैं, ठीक है. हम लोग बात करते हैं डिकेट्स के बारे में. तो याद रखना है 1 डिकेट्स में कितने होते हैं बच्चों, 10 ईयर्स होते हैं, ठीक है. इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. कैसे करते हैं मैं बस एक लॉजिक बता रहा हूँ, बाकी सॉल्व आप खुद करेंगे, ठीक है. थोड़ा खुद तो करना पड़ेगा मेहनत. जैसे 10 ईयर है, चलिए तो 1 ईयर में कितने दिन हो गए, 365 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं. 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर. और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट. और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड. तो ये हमारा डेटा हो गया. तो इसको जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको 1 डिकेड्स में उतना सेकंड आ जाएगा, ठीक है. इसके बाद आते हैं 1 सेंचुरी के बारे में. 1 सेंचुरी में होती क्या है, 100 ईयर्स होती है. नेक्स्ट हमारा हो गया मिलेनियम. ये मिलेनियम जो है 1 मिलेनियम में क्या होता है, 1000 ईयर होता है. तो इस तरह से हमारा बेसिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है. तो इसको मैं एक बार और रिकॉल कर देता हूं आप लोगों के लिए कि ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, सेकंड होती है. स्मॉलर में मिली सेकेंड, माइक्रो, शेक एंड नैनो, ये हो गई. बिगर में मिनट, आर, डे, ल्यूनर मंथ, मंथ, डिकेड, सेंचुरी एंड मिलेनियम. बस ये थोड़ा सा ही डेटा आपको रिकॉल करना है. आप एक दो बार सिर्फ पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा ये पूरा. आई होप आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी. सो फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल इंजीनियर्स फिजिक्स.